नमस्कार दोस्तों, आई एम पीयूष शर्मा एंड वेलकम बैक टू द हॉस्पिटैलिटी तक। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ खास बताने वाले हैं। दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी एक प्रसिद्ध लीडर बनकर उभरे हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हमेशा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हमेशा उत्सुक रहते हैं। आप सबने कई बार तो सुना ही होगा कि मोदी जी अपने आप को फिट रखने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, प्रेयर और भी कई सारी चीज़। आप सबको ये नहीं पता होगा कि मोदी जी खाने के लिए बहुत शौकीन है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम उस इंसान और उस शेफ़ के बारे में बात करने वाले हैं, जानने की कोशिश करेंगे आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की डेली सिर्फ किसके हाथ का खाना खाते हैं। उस शेफ़ की अपनी एक स्ट्रगल वाली कहानी है। मोदी जी को फिट बनाए रखने में उस शख्स का भी एक विशेष योगदान है। उनका नाम है बद्री मीना। इस स्टोरी से आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। बद्री मीना नरेंद्र मोदी जी के परमानेंट शेफ़ हैं। वो अप्रॉक्स 20 सालों से मोदी जी का खाना बना रहे हैं और मोदी जी के साथ हैं। वो पहली बार 1998 में मोदी जी से मिले थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे। बद्री मीना राजस्थान के रहने वाले हैं। वो काम की तलाश में अपने दो दोस्तों के साथ गुजरात आए थे। तब उन्हें बीजेपी के अहमदाबाद में खानपुर ऑफिस में खाना बनाने का काम मिला। बाद में बद्री मीना के बेहतर शेफ स्किल्स एंड टेस्ट को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपना परमानेंट शेफ बना लिया। मीना को मोदी जी के करीबी लोगों में से एक माना जाता है। वे ना सिर्फ मोदी जी के लिए खाना बनाते हैं बल्कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। बद्री मीना इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि पीएम मोदी जी सही समय पर खाना खा रहे हैं कि नहीं, साथ ही वही सही डाइट लें, बल्कि उनके साथ कई विदेश दौरों पर भी साथ जाते हैं क्योंकि मोदी जी को सादा खाना बहुत पसंद है। मोदी जी वेजिटेरियन हैं और इसीलिए उनकी डाइट का ध्यान रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिजी शेड्यूल में बावजूद वो हेल्दी रहें, इसके लिए बद्री मीना उन्हें नाश्ते में डोसा और इडली देते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी को खिचड़ी खाना भी बेहद पसंद है, इसलिए वे उन्हें सप्ताह में 3 बार खिचड़ी देते हैं। बद्री मीना इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि पीएम मोदी जी के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल, स्पाइसेस या सॉल्ट ना हो। पीएम मोदी जी को साल 2016 में कमर दर्द और पैरों में सूजन आने की एक शिकायत रहती थी, इसलिए उन्होंने उनके कुक बद्री मीना ने उन्हें बिल्कुल सादा खाना देने की कोशिश की। इससे मोदी जी का वेट भी कंट्रोल में रहता है। पीएम मोदी जी बद्री मीना पर इतना भरोसा करते हैं कि वे विदेश दौरे के दौरान उनको खाने पीने का शेड्यूल का पूरा ध्यान रखते हैं। वे पीएम मोदी के कई विदेशी दौरों में एक सप्ताह पहले जाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पूरा मैनेजमेंट करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री जी के भारत के दौरे पर बद्री मीना को हेड कुक रखा गया था। उन्होंने विदेशी मेहमानों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाया था। बद्री मीना के अलावा कई बार मशहूर शेफ संजीव कपूर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए खाना बनाते हैं। मोदी जी को हलवा बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने मोदी जी को कद्दू का हलवा खिलाया था। संजीव कपूर के अलावा यंग शेफ धीरज से हैं भी इनके लिए खाना बना चुके हैं। इन सब के अलावा बद्री मीना प्रधानमंत्री जी की किचन का, सारे कुक्स का, सारी टीम को मैनेज करते हैं। तो दोस्तों, बद्री मीना जी की अपने आप में एक स्ट्रगल वाली कहानी है जो हमने आपको मोटी माटी यानी कि जो पॉपुलर और जो मेन थी हमने उस पे ही आपको सिर्फ हाईलाइट करके बताया। अगर और डीप में डिटेल में हम जाएंगे तो काफ़ी बड़ी इनकी हाईलाइटेड वाली स्ट्रगल वाली कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे उम्मीद है आपको मोटिवेशन मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एक नॉलेज मिली होगी। तो हमें लगा कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रधानमंत्री है वो एक्चुअली किसके हाथ का खाना खाता है और वो कौन कौन सा शेफ़ है जो उनके हाथ का खाना डेली प्रधानमंत्री जी खाते हैं। तो दोस्तों, इस बात से काफ़ी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये टॉपिक काफ़ी अच्छा था, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पे आपको एक नॉलेज मिलेगी, इसलिए हमें वीडियो बनाना था। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। जय हिंद।